बाबा मार नाम सिंह जी दी बरसी सी। दास गया पुचो साहब हाजरी पर, ते जदों गड्डी तो मैं उतरिया वो स्थान ते दस बजे सी, दस सवा दस। मेरा मन किथे भी स्टेज ते जावां, उत्थे पांच मिनट मिलते जां दस मिनट मिलते हाजरी, बहुत जथे आए होंगे। मैं क्या स्टेज ते जावां, साथियों नूं किया स्टेज ते चलीए, फिर आपां जल्दी ना जिहड़े दस मिनट लाने ला के ते अमृतसर वापसी करिए, भी टाइम सिर निकल जाइए। दूजा मन करे लंगर छक लीए, पहले भुख लगी आखो सतनाम। मैं दोवें सलावां कर रहा, लंगर छकन जाइए कि स्टेज ते हाजरी लाइए, ते भी दस मिनट हाजरी लाइए ते निकली अमृतसर। नाल ही बाबा सुखदेव सिंह जी का सेवादार आ गया। मैं उन्हें पूछा, मैं बाबा जी कित्थे है, कहिंदा कमरे च। मैं फिर बाबा जी को समत लाया भी स्टेज ते जाइए कि लंगर छकन जाइए आपको साथ। वो पुछण चला गया, जो पुछ के आया तो मैनू कहिंदा बाबा जी कहिंदे ना स्टेज ते जाना ना लंगर छकन जाना, साडे को कमरे च आ जाओ। मैं कमरे चला गया जी। जदों मैं कमरे च गया ते तकरीबन नौ दस रागी जथे बैठे, इतना नौ दस रागी जथे। दास अंदर गया, फतेह बुलाई, सीस लई, मैनू भी उन्होंने कोल वालिया। बाबा सुखदेव सिंह जी गल समझ, हुण मैनू कोल वालिया ते जिहड़े अठ नौ जथे बैठे है ना कीर्तनिया दे, तीन तीन बंदे एक जथे नाल दे, सताई बंदे ला लो, कई ना चार पांच होणगे, तीह पैंती शरीर कमरे च बैठे। हुण गल उन्हां नाल कर रहे हैं बाबा सुखदेव सिंह महापुरश, दास नूं कोल वाया, उन्हां सारिआं जथिआं नूं की कह रहे हैं। वो कहिंदे रागी सिंघो जरा वेख्यो आ मिल मेरे प्रीतमा की है, बार्डर की है। कहिंदे ओ रागी सिंघो एक गल दसो, अज कुदरती नौ दस जथे कट्ठे ही बैठे हो। कहिंदे रागी सिंघो एक गल दसो, स्टेजां ते शब्द पढ़दे हो कि घर भी गुरु ग्रंथ साहब नूं कदी शब्द सुनाया है? गज के आखो सतनाम। गल बड़ी वड्डी जे, बहुत वड्डी। सारे जथियां नूं पुछदे वी केवल स्टेजां ते कीर्तन करदे हो कि घर गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं वी हाजर नाजर गुरु गोबिंद सिंह समझ के कभी उन्हां वल मुख करके घर भी वाजा खोलिया वी सतगुरु अज तेरे चरणां च शब्द की हाजरी लाउणी। सात संग सारिआं दे सिर जिहड़े ना झुक गए, कोई भी नहीं कह सकिया असी अपने घर भी गुरु साहब नूं शब्द सरवण कराउने आ आखो सतनाम। ध्यान देना, फिर उन्हां समत दित्ती। कहिंदे भावें आसा जी दी वार दे छे छक्के दो शब्द ही घर ला दिया करो, तबले तो बगैर ला दिओ, एक सुर नप के ला दिओ, किवें ला दिओ, यह भी बड़ी वड्डी भगती है अपने घर सतगुरां नूं कीर्तन सरवण कराउणा आखो सतनाम। अज जिन्नियां संगतां इह इनकलाब लियाओ, अपणियां धीआं नूं कीर्तन सिखाओ, बहुतियां सुरां दी नहीं लोड़, भावें बस चार सुरां ही। जदों दास ने वाजा सिखिया सी ते काफी औखा, उदों बहुत घट जगह होंदियां सी सिखण वालियां, ते मैनू एक लाइन नूं ना मैनू शब्द कढाया सी, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, ते महीना एक लाइन नूं लाता सी इहनूं कढ़ी जा तूं आखो सतनाम। ते हुण कह भी नहीं सकदे सी सरकार सारा। ओ फिर जदों बाबा जी ने दात देती, उस्तादां राहीं देती, अपने खजाने चों देती, फिर मन च फैसला कीता सी वी इह थां थां ते कीर्तन सिखाउण दा जिहड़ा इह प्रोग्राम बनाउणा है कि हर कोई इह वणज कर सके। ओ फिर अमृतसर जदों असीं 17 जगह ते कीर्तन सिखाया जांदा, विच पम्मा भैन जी भी दो तीन जगह इह भी सिखांदी बच्ची जाके,
वो फिर जो असी सारे गा मापा धानी सा पहली सरगम फिर सा सा रे रे गा गा मामा ये पांच सरगमां पूरियां करके सारे गा रे गा मा उस तो बाद सीधा ही बच्चियां नूं शब्द ते लाईदा चार सुरां च शब्द राम ते इक दान मांगो राम ते इक दान मांगो राम आ शुरू आ दे राम ते इक दान मांगो राम ते इक दान मांगो सगल मनोरथ पूरण होवे सगल मनोरथ पूरण होवे सिमरो तुमरा नाम मांगो राम सिमरो तुमरा नाम मांगो राम ते मैं आप जी नूं तां कहा कि कोई बहुत राग सिखदा है वही मुबारक है पर चार सुरां ते ना ये सारा शब्द इस तो बाद दूजा शब्द शुरू करा दी दा लाग रहो मेरा चीत प्रभ से ओ लाग रहो मेरा चीत प्रभ से ओ लाग रहो मेरा चीत प्रभ से ओ लाग रहो प्रभ से ओ लाग ये चार पांच शब्द सिर्फ चार सुरां ही नहीं हर बच्चा आम ही जड़ा ना इनू पिकअप कर जांदा मन दी रीझ की हुंदी है भावे दो सुरां नप के ही गुरु नू रिझा लवे घर घर ए सच्चे पातशाह दा वाजा पहुंच जा कीर्तन पहुंच जा जिन्नियां मावां बैठियां जे अपनियां बच्चियां नू नहीं राग सिखा सकदे चार सुरां दे शब्द सिखा दिओ उहनां दा घर च अभ्यास पका दिओ कि रोज घर जे प्रकाश है तावी जे शस्त्रा दा आसन है तावी जे सेंचियां ने तावी जे कोई स्वरूप दा आसन है जिथे नितनेम करदे हो तावी सामने बह के आसा जी दी वार दे छे छक्के ही बच्चियां ला देण एक दो शब्द पढ़ देण ए वी बड़ी वड्डी भगती बन जांदी है गज के कह दे सतनाम मैं महापुरशां तो सुनिया सी इह बचन इहनू छोटी गल ना समझियो महापुरशां तो बचन सुनिया सी एक धी नूं जोड़ दिओ एक धी नूं जोड़ दिओ बाणी नाल समझ लो एक कुल जुड़ गई एक कुल हुण तुहाडे जो जिहड़ी धी मान लो आसा ही वार छे छक्के कर लांदी है दो शब्द पढ़दी है कीर्तन करदी है कि उह जदों व्याही जाएगी उहदे अगों बच्चे होणगे उहनूं अंदर खाना होएगा मैं इन्हां नूं भी सिखाना है आपो सतना ओह धी जदों दादी बनेगी उहनूं होऊगा मैं पोतरियां नूं भी इह हकीकत है एक बेटी नूं बाणी नाल जोड़ दिओ महापुरशां दा बचन है एक कुल जुड़ गई नाम नाल एक कुल जुड़ गई बाणी नाल गज के आखो सतना आ चीजां घर च लियाओ इहनूं भी अहमियत दिओ निरी लैपटॉप नूं ना अहमियत देई जाओ निरे कंप्यूटर मोबाइलों नूं ना अहमियत दई जाओ निरी इंग्लिश दीआं पढ़ाईआं नूं ना अहमियत दई जाओ मैं सच कहना कोई बंदा 40 साल 20 साल दी मेहनत ला के डॉक्टर बणिआ मुबारक है इंजीनियर बणिआ मुबारक है प्रोफेसर बणिआ मुबारक है पर महापुरशां दा बचन जिस दिन मौत होनी है ना जे अगला जन्म पाया अगले जन्म डॉक्टर बनना फिर डॉक्टरी सीखनी पैनी है अगले जन्म प्रोफेसर बनना फिर वो 20 साल दी 30 साल दी मेहनत गई पर सच जाने हो गुरु नानक दे घर दी पौड़ी अपने बच्चे नू एक भी चढ़ा दोगे ना अगला जन्म मिलेगा वो पौड़ी तैयार मिलेगी ओदा नाश नहीं होंदा ओदा नाश नहीं दास एक कारी प्रशादा छक रहा सी प्रशादा इस संगत जी 10 साल दा बच्चा आऊं प्रशादे फड़े एडा सहज प्रशादा फड़े वाहिगुरु प्रशादा जी दूजे नू वाहिगुरु प्रशादा जी कोई कालापन नहीं कोई अंदर कोई होर हो चंचलपन नहीं दास इधर पंगे च बैठा उह सामने च वरता रहा वाहिगुरु प्रशादा 10 साल दा बच्चा मैं अपने साथी नू कहा मैं क्या ये बच्चे दी उम्र 10 साल है पर लगदा पिछले जन्म जो संतोख दी पौड़ी चढ़ गया सी
नहीं तो 70-70 साल के बुजुर्गों को सहज नहीं हों, संतोख नहीं हों, टिकाओ नहीं हों। मैं क्या लगता पिछले जन्म संतोख की पौड़ी चढ़ गया सी, अगले जन्म तैयार ही मिल गई। आखो सतनाम, वो अगले जन्म ये पौड़ी नाश नहीं होती, एक तिल नहीं भन्ने। आस गुरु घर के जिन्ना क चल सकोगे ना, अगर समा पूरा हो गया वो तुहाडा जिन्ना क चल के अगे वधे हो ना, अगले जन्म वो तैयार मिलता, बाकी चीजा नहीं मिलदियां तैयार। आखो सतनाम। हुण तुसीं वेखो कदी कोई इहो जिहा केस वेखिया कि जमदिया ही कोई प्रोफेसर बन गया हो, जमदिया कोई इंजीनियर बन गया हो, जमदिया कोई साध संग जी अपना डॉक्टर बन गया हो। सब नू पढ़ाई करनी पैंदी तां बणदे, जड़ी कोई पिछली कीती खत्म मरन तो बाद। पर जड़ी गुरु नानक दे घर दा एक कदम भी रखोगे ना, ये नाश नहीं हुंदा। गज के आखो सतनाम। अपनियां बच्चियां नू औलाद नू इधर डट के लाओ, प्यार विच प्रेरणा विच इनू भी अहमियत, यही प्रेम है। जदों असीं इस चीज नू अहमियत दिंदे आ, बस यही प्रेम है, यही प्यार है कि मेरे सिख ने हुण इस गुरु घर दीआं दातां नू भी पहल देनी शुरू करती। अच्छा सुनियो जी बचन, पुच्छो साहब मैं कमरे च बैठा ते 9-10 रागी जथे बैठे, महापुरुष उन्हां नाल गल कर रहे हैं। कहिंदे रागी सिंघो भई स्टेज ते शब्द पढ़दे हो कि घर गुरु साहब नूं भी कदी सरवण कराया? आखो सतनाम। ये उच्ची पढ़ाई है ना, ये प्रेम दी पढ़ाई है। अपनी आत्मा लई भी गाणा, गुरु लई भी गाणा, केवल दूजी बात लई नहीं। संगत जी मैं बैठा ते मैनू भी ना मिलिया, मैं क्या भी कमी अपने च भी है। आखो सतनाम। कमी अपने च भी है, बड़ा उच्चा भजन किया बाबा सुदेव। संगत जी सुनियो, नाल ही उन्हें दूजा भजन किया, दूजा भजन। हुण मेरा अंदर फुरना की सी, स्टेज ते जावा के लंगर घर जावा ते हाजरी लावा ते निकलां फटाफट, है जी। ते बाबा सुदेव सिंह जी नूं थोड़ी पता मेरा फुरना बणिया, ते मैनू कोल भाया होया इंज रागी जथे बैठे। पहली गल ऐ कह के नाल ही दूजी गल कहिंदे, कहिंदे रागी सिंघो जदों भी भुचो साहब आओ ना या नानक सर आओ, कदी काले ना पो ध्यान देना। कहिंदे जदों भी इत्थे आओ ते कदी काले ना पो। एक गल बड़ी वड्डी कही, वो की तुसी हुण भुचो साहब या नानक सर नूं तुसी ऐ समझ लो गुरु घर, आपां अपने ते सारे लै लईए। वो मैं कोई ये नहीं कहे टकसाल की गल नहीं कर रहा, गल दा मकसद की सी। कहिंदे जदों भुचो साहब आओ नानक सर आओ कदी काले ना पो, इंज आओ इंज आओ जिवें असी अपने पेके घर आ गए। गल सुने बड़ी उच्ची जी, आखो साधना जिवें आप पेके घर आ गए हैं। ते गल मैनू बड़ी वजी, मैं क्या वाकई जदों बंदा अपने पेके घर जाना, धीआं आप तो सानू पता ही है सब बीबिया नू जदों पेके घर जांदियां जे ना, ते उदों जे 5 बजे भी मुड़ना होवे ना, तुसी घर वाला कहे ना 5 बजे आ जी पेक्यों, जे शहर च रहिंदे होण ते कई वारी तुसी नोट करो कदी 5 ते 4 नहीं मुड़े, तुसी 6 भावें वज्जण। आखो सतनाम। ते जां 5 दे लागे फोन मारोगे, 2 घंटे जरा होर ला लवां, मम्मी नाल इंज काम सी फलानी गल करनी सी होर ला लां। ते जे पेके होण दूर बाहर भेजिया हो 4 दिहाड़ियां लई, ते बदो बदी फिर 4थी दिहाड़ी फोन जांदा, 1 दिन होर रह लां। आखो सतनाम। तुसी नोट करो पेके घर काले नहीं पैंदे। आपां इह गल नूं इस वेले ते भी लवो, शीशगंज जा सकदे उत्थे भी लवो, रकाबगंज साहब जांदे उत्थे भी लवो। की कि जदों भी शीशगंज साहब नानक प्याओ साहब रकाबगंज साहब जां इस वेले इत्थे डेरा बाबा करम सिंह विच संगत बैठे हो, जदों भी संगत विच आईए ते इस भावना नाल आईए मैं अपने पेके घर आ गई हां, गुरु गोबिंद सिंह मेरे पिता ने, माता साहिब कौर मेरी मां है, मैं पेके घर आई हां। पेके घर आके कदी काले पई रही? गज के आखो सतनाम। गुरु घर गुरु दी संगत ए सानू पेका घर जापे, ए प्रेम है। गज के आखो सतनाम। ए प्रेम है, ए बड़ टप गया,
ہوں جانا امرتسر شہیدان دربار صاحب انج جانا میں اپنے پیکے گھر آ گیا آکو ستنام جن پریم کیو جنیاں سنگتاں بیٹھیاں جے گل نوں سمجھنا جیڑی آپ جی دے چرناں چ رکھی جا رہی ہے اج او پریم منگیے کہ ساڈے گھراں چ اسی گھراں وچ وی ستگر نوں کیرتن سرون کرائیے سانوں او پیار دے دے جدوں گرو گھر آئیے سچیا پاتشاہ سانوں گرو گھر اپنا پیکا گھر لگے گا جی کہ آکھو ستنا آ سانو داد جھولی چ پا دیو آ کرپا کر دیو کہ اے دے لئی جانور دی اینوں اہمیت دئیے